नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। आए दिन शिक्षा विभाग के द्वारा नए नए फरमान जारी होते रहते हैं, लेकिन नए फरमानों को जितने भी शिक्षक हैं वो या हेडमास्टर हो, सभी लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ कमियां शिक्षा विभाग की भी है, उनको ध्यान देना चाहिए कि किस स्कूल में क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हैं, पहले उस परेशानियों को दूर कर लें, जिसके बाद हम लगातार कुछ न कुछ नए आदेश जारी करें। इस संदर्भ में मैं सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के बनमाईटरी प्रखंड के कुसमी उर्दू मध्य विद्यालय में पहुंचा, जहां मैंने देखा कि तस्वीर के माध्यम से आप देखिए कि किस तरह से बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं क्लास में, लेकिन कुछ बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 765 बच्चे नामांकित हैं, और नामांकित होने के बाद बच्चे तो आजकल आपको पता ही होगा के पाठक या जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका लगातार आदेश होने के बावजूद जो है बच्चों की संख्या जो है स्कूलों में बढ़ गई है। इसको लेकर के काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं, क्योंकि इस स्कूल में जो है क्लासरूम की कमी है। मैंने जब हेडमास्टर से बात किया, अशरफ अली जी से जब मैंने बात किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर कम से कम अभी जो है दो क्लास की कमी है। दो क्लासरूम अगर हो जाए तो बच्चों को बैठने उठने में कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ पर आराम से बेंच डेस्क लगा दिया जाएगा। लेकिन बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और स्कूल की जो भवन है, स्कूल का जो भवन निर्माण हुआ है, वो कम जगह होने के कारण जो है बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल में 2 शौचालय हैं। आप बताइए, 765 बच्चे नामांकित है जिसमें 2 शौचालय हैं, तो उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि 2 शौचालय और बढ़ाया जाए, किसी तरह विभाग इस पर जो है काम करे और जल्द से जल्द जो है इनको भवन का जो है स्वीकृति दिया जाए, भवन निर्माण कराया जाए इसमें, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके। पहले इस संदर्भ में जो अशरफ अली हेडमास्टर है, पहले वो क्या कुछ करे, पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं। सर, इसके बारे में विभाग को कई मरतबा मैंने इंफॉर्मेशन दिया है। हमारे उर्दू मध्य विद्यालय कुसमी अंचल बनमाई टहरी में बच्चों की संख्या 765 है। लगभग अभी सरकार के द्वारा जो है नामांकन को लेकर के कि उपस्थिति अधिक होनी चाहिए, इसका जब प्रेशर बनाया है, तो अभी लगभग 60 से 65% बच्चे आते हैं। रूम की कमी की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने विभाग को इसकी जानकारी हाल फिलहाल भी दिया है। DPO साहब डायरेक्ट बोले कि हमको इसकी सूचना दी जाए, तो सरकार द्वारा अभी प्रीफैब स्ट्रक्चर के जरिया जो है 2 मंजिला पर जो है मकान बनने के लिए योजना आई है। उसमें मैंने भी 3 रूम के लिए दिया है, जो आश्वासन विभाग से मिला है। यही कहना है विभाग से कि जितना जल्द हो हमारे यहाँ 3 रूम अगर हो जाता है तो बच्चों को की कठिनाई जो है उससे निजात हमको मिल जाएगी। इसके अलावा ये शौचालय की भी कमी है, हमारे विद्यालय में मात्र 2 शौचालय है, तो बच्चे की संख्या को देखते ही 2 शौचालय और अगर हो जाता है तो हमारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। आपसे भी हमारा यही कहना है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप विभाग तक पहुँचाएँ, ताकि जो है किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आपने सुना, साफ तौर पर उनका कहना था कि यहाँ पर बच्चों को परेशानी हो रही है, बच्चों को तो हम लोग किसी तरह से यहाँ रख रहे हैं, लेकिन हमने विभाग को भी जो है पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि इस स्कूल में कम से कम 2 क्लासरूम और बढ़ाया जाए और 2 शौचालय बढ़ाए जाए, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। और टीचर तो यहाँ बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हमेशा रहते हैं, और हर हमेशा क्लास यहाँ पर चलती है, और सभी स्कूल से उम्मीद है कि अच्छा प्रदर्शन हमारा स्कूल करता है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।